पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली मोहम्मद यूसुफ कुरेशी के द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शराब से भरा एक ट्रक जिसका नंबर TR01AU1898 है, शराब लेकर झांसी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से सीमा में प्रवेश हुआ है, क्योंकि सीधी सिंगरौली होते हुए अनपरा उत्तर प्रदेश से बिहार राज्य जा रही है। पुलिस द्वारा उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए एम्बुश लगाकर उक्त वाहन को पकड़ा गया, जिसमें लगभग 550 पेटी यानी 5000 लीटर इंपीरियल ब्लू अंग्रेजी शराब जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए जब्त की गई। थाने ले जाकर अपराध क्रमांक 426/2023 धारा 34 दो आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया। वाहन के ड्राइवर व उपचालक करण सिंह और फतेह सिंह निवासी राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन त्रिपुरा राज्य का है तथा मालिक का नाम संजीत शिल है। साथ ही शराब की पेटियां जो कि पंजाब राज्य की होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है, जिसे जब्त किया गया है। शराब के प्रदायकर्ता व ग्रह करने वाले पार्टी के संबंध में पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है। इस मामले में फतेह सिंह दावी पिता रंजीत सिंह दावी उम्र 34 साल निवासी पुनालीवाड़ा थाना दोबड़ा डूंगरपुर राजस्थान, करण सिंह पिता नाहर सिंह उम्र 37 वर्ष निवासी मुंगेर थाना सावला जिला डूंगरपुर राजस्थान, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक RP सिंह, थाना प्रभारी बरगवां, उप निरीक्षक उपेंद्र पाठक, उप निरीक्षक लालमणि साकेत, सहायक उप निरीक्षक मोहनलाल प्रजापति, सहायक उप निरीक्षक अंगिरा पाठक, प्रधान आरक्षक बंसलाल प्रजापति, नीरज सिंह, आरक्षक राजेश प्रजापति की भूमिका रही। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक जिसका नंबर TR01AU1898 है, उसके द्वारा शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा है। पुलिस ने सूचना को काफ़ी गंभीरता से लिया और जो संभावित रूट था उस रूट पे जो है पुलिस के द्वारा एम्बुस लगाई गई, पुलिस के द्वारा 2-3 टीमें लगाई गई, कट ऑफ पार्टी लगाई गई और फाइनली पुलिस के द्वारा उस ट्रक को जो है पकड़ लिया गया। और ट्रक की जब तलाशी ली गई तो ट्रक से लगभग 550 पेटी जो है इंपीरियल ब्लू, जिसके उसमें इंपीरियल ब्लू जो क्वार्टर्स रहते हैं वो भरे हुए थे, एक में लगभग 48 के करीब क्वार्टर्स थे। टोटल जो लिकर है वो लगभग 550 पेटी है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। और जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का पता लगाया गया तो इसका मालिक का नाम जो है संजीत सिल नाम सामने आ रहा है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया गया है और ये इसका रजिस्ट्रेशन त्रिपुरा जो है राज्य का है। गाड़ी में शराब कहां से लोड की गई है और कहां जा रही थी, इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि गाड़ी के ड्राइवर और जो क्लीनर है उनका कहना है कि उसको इनकी जानकारी इस तथ्य के बारे में उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो इस संबंध में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और इसमें जो आरोपियों के नाम है वो फतेह सिंह दावी और ये डूंगरपुर राजस्थान का रहने वाला है, एक करण सिंह पिता नाहन सिंह है, ये भी डूंगरपुर जिले का रहने वाला है, और जो ट्रक जब्त हुआ है वो अशोक लेलैंड कंपनी का। क्या लगता है की पुलिस को जो फिर से सूचना मिली थी कि ये झांसी के रास्ते से जो है मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश की गई है, तो वाहन प्रवेश किया है और ये सीधी से सिंगरौली होते हुए अनपरा के माध्यम से बिहार, इस बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है किस माध्यम से आया है। पेटी के ऊपर जो है पंजाब PJB लिखा हुआ है, तो शराब जो है प्रथम दृष्टया जो है पंजाब से लोड की हुई प्रतीत होती है और पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है। सर आप जा कहाँ रहे थे सर, इसका कुछ पता चला अभी? इस संबंध में पुलिस पड़ताल कर रही है, जैसा कि मैंने बताया कि शराब कहाँ से लोड की गई है और कहाँ जा रही है। अभी केवल जो वाहन स्वामी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर से जो पुलिस ने निकाला है वो पता चला है, दोनों जो वाहन का चालक और क्लीनर है उससे भी पुलिस पूछताछ की है। पुलिस को जो सूचना मिली थी उस संबंध में पुलिस ने इसमें कार्रवाई की। सिंगरौली से अयोध्या तिवारी की रिपोर्ट।